एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बड़े काम की हैं ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आप एंड्रॉइड यूजर हैं और आपको लगता है कि आप अपने स्मार्टफोन के बारे में सब जानते हैं, तो यहाँ हैं कुछ छोटी छोटी मगर बड़े काम की बातें। शायद इनमें से कुछ आपको पहले से पता हो, लेकिन अगर एंड्रॉइड यूजर होने के बावजूद आपको ये बातें नहीं पता तो आप कुछ मिस कर रहे हैं जनाब। एंड्रॉइड के हर फोन में स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है, यह आपके स्मार्टफोन ब्रांड और एंड्रॉइड वर्जन पर निर्भर करता है। आइसक्रीम सैंडविच एंड्रॉइड 4.0 वर्जन के बाद गूगल ने ज्यादातर डिवाइसेज में इसके लिए अलग से बटन देना शुरू कर दिया है। अगर आपके फोन में स्क्रीनशॉट का बटन ऑन स्क्रीन नहीं है तो आप पावर और वॉल्यूम बटन एक साथ दबाकर कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको स्क्रीन की तस्वीर का प्रीव्यू दिखेगा और क्लिक की आवाज आएगी। एंड्रॉइड में ऑटोकरेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर करने के लिए अच्छा फीचर है, लेकिन कई बार इसकी वजह से कुछ का कुछ हो जाता है। आप टाइप कोई और वर्ड करते हैं और स्पेस दबाते ही वो करेक्ट होकर आपके हिसाब से इनकरेक्ट हो जाता है। टाइपिंग के वक्त यह परेशानी अक्सर झेलनी पड़ती है। कम लोगों को ऑटोकरेक्ट ऑफ करने का तरीका पता है। इसके लिए सेटिंग्स लैंग्वेज एंड इनपुट स्पेल चेकर में जाकर आप इसे ऑफ कर सकते हैं। आप फोन में बार बार आने वाले बेवजह के नोटिफिकेशन से परेशान हैं तो इसके लिए भी एक रास्ता है। फालतू नोटिफिकेशन की वजह से बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज होती है और दिमाग भी खराब होता है। यह भी एंड्रॉइड वर्जन पर निर्भर करता है कि इसका तरीका क्या होगा। इसका सबसे आसान तरीका है किसी नोटिफिकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना। इसके बाद आपको शो नोटिफिकेशन साइलेंटली, ब्लॉक नोटिफिकेशंस और डोंट साइलेंस और ब्लॉक नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस दिखेंगे, जहां से आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप्स में आए दिन अपडेट्स आते रहते हैं और इससे ऐप में नए फीचर्स जोड़कर उसे बेहतर बनाया जाता है। ऐप अपडेट करना तो अच्छा होता है, लेकिन ऑटोमेटिक ऐप अपडेट्स कई बार आपको परेशान कर सकते हैं। आपका ढेर सारा मोबाइल डेटा इन अपडेट्स में खर्च हो जाता है, तो इन्हें डिसेबल करने का ऑप्शन भी है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर सेटिंग्स के ऑटो अपडेट टैब पर टैप करके डू नॉट ऑटो अपडेट पर टिक करना होगा। ढेर सारे ऐप आइकन से होम स्क्रीन भरी होने पर एंड्रॉइड में उन्हें मैनेज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके लिए किसी भी आइकन को ड्रैग करके दूसरे आइकन पर ले जाना होगा, जिससे फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर पर टैप करके आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। इसकी एक और फायदा यह है कि आप एक जैसे फंक्शंस वाली एप्स को एक साथ रख सकते हैं।